राम राम गुरु जी। राम राम। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, राजू पाठक नाम है मेरा। जी बताएं। तकलीफ नौकरी में दो बार तकलीफ है, घर में भी बहुत तकलीफ है। क्या काम करते हैं? जी जा। कहाँ पे नौकरी करते हैं? हाँ, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गुजरात में नौकरी करता हूँ। दो बार सस्पेंड भी हो गया हूँ, एक बार डिसमिस भी हो गया, फिर भी शिव कृपा से तो मैं शिव का भक्त भी हूँ, हर रोज उसकी सेवा भी करता हूँ। जी। और घर में कुछ छाया, मेरी पत्नी को और मेरे बेटे को छाया दिखाई देती है गुरु जी। अच्छा। हाँ जी। तो कब से दिख रही इनको छाया? ये लगभग 10 साल से दिखाई दे रही है। तो उसके बाद से गड़बड़ होनी शुरू हुई है? हाँ, उसके बाद से गड़बड़ तो घर में बहुत है, नौकरी में भी बहुत तकलीफ है। मैं देख लेता हूँ कि क्या करना है आपको। आप आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, छाया जिसको आप कह रहे हैं ये बाहर की एनर्जी है, ये आपके घर में एंटर हो गई है, इसको हटाना है आपको। हटाने के लिए आपको एक अनुष्ठान होता है, प्रत्यंगिरा का अनुष्ठान, उसका सहारा लेना पड़ेगा आपको। कोई विद्वान ढूंढिएगा, अच्छा आचार्य होना चाहिए, नियम पूर्वक करता हो। ये ऐसा अनुष्ठान है जिसको हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, इसके साधक लोग ही कर पाएंगे। तो आप आचार्य अच्छा ढूंढिएगा जो इसको करता हो, आप उससे कहिएगा कि मुझे प्रत्यंगिरा का अनुष्ठान कराना है। वो उसकी एनर्जी ऐसी होती जो आपके और आपके परिवार जनों से और पूरे घर की खराब एनर्जी को बाहर ढकेल देगी, ख़त्म कर देगी उसको हमेशा के लिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी इस चीज़ से। तो आप आचार्य से कहिएगा कि मुझे किसी ने बताया है प्रत्यंगिरा अनुष्ठान कराने के लिए, और उसने ये भी कहा कि मुझे मंत्र जाप करना है, सो आप मुझे मंत्र लिख के दे दीजिए। मंत्र बड़ा है, वही व्यक्ति इसको याद कर सकता है जो इसका साधक होगा। अगर उसी समय वो लिख के दे दे रहे हैं तो आप उनके पीछे लग जाइएगा, तो उनका पीछा मत छोड़िएगा कि नहीं आप मेरा अनुष्ठान कर ही दो, क्योंकि वो व्यक्ति उसका जानकार है। अगर साधक नहीं हो तो टाल मटोल करेगा, कागज़ नहीं है, पेन नहीं है, अभी नहीं लिखेंगे, मुहूर्त नहीं है, बाद में दे देंगे, ऐसे करके बाद में वो किसी किताब को खरीद के लाएंगे, उससे पढ़ेंगे और फिर आपका अनुष्ठान करेंगे वो, तो उससे अनुष्ठान फलित नहीं होगा। ये अनुष्ठान है, बड़े अनुष्ठान है, उच्च क्षमता के अनुष्ठान है, इनको कराने के लिए योग्य और उच्च साधक चाहिए होगा। आप ढूंढ लीजिएगा, कोई मिल जाएगा उससे करा लीजिएगा, मुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल आप इससे पहले तत्काल आपको लाभ मिले और ऐसा साधक भी मिल जाए कोई, उसके लिए आप महासाधना में शामिल हो जाए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। रुद्राक्ष प्राप्त कर लीजिए, हमारे यहाँ से मंगवा लीजिए, रुद्राक्ष से प्रोग्राम किया जाता है, जागृत किया जाता है, इसका सहारा लीजिए, जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, भगवान शिव से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।